हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। आज हम यहां पे देख रहे हैं 12 कॉमर्स मैथ्स पार्ट वन के बारे में। तो आपके जो सिलेबस रिड्यूस है, मोस्ट ऑफ द सॉल्व एग्जांपल ही यहां पे रिड्यूस है। पार्ट टू का भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कौन कौन से सिलेबस में 25% रिड्यूस किया गया है, यानी कि पार्ट टू मैथमेटिक के अंदर। आप यहाँ पे पेज नंबर देख रहे हो, इस पेज नंबर पे आप जाके उस पेज को कट कर दीजिए, यानी कि ये आपका ओमिट सिलेबस है जो आपको नहीं करने। मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे मैथ्स में और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसीज में आप कॉमर्स के बच्चे हो तो इसमें आपकी एक्टिविटी सॉल्व एग्जाम्पल ही ज़्यादातर ओमिट है। वीडियो को पॉज करके आप इसको कट कर सकते हो, जो भी आपके सिलेबस है। एंड सेकेंड थिंग, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप जो सिलेबस रिड्यूस है उसको कट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल्स में बता देता हूँ कि जो सॉल्व एग्जांपल्स है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो सॉल्व एग्जांपल्स है, एक्टिविटीज है, उसको कट कर दीजिए। बाकी आपके जितने भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो आपको अटेंड करनी ही है। ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चैप्टर भी देख सकते हो, जैसे एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में सब्जेक्ट दिया हुआ है सॉल्व एग्जांपल। अभी तक आपने जितना भी देखा इसके पहले, सब इसमें सॉल्व एग्जांपल लिखा हुआ है, या एक्टिविटी बेस्ड जितने भी आपके सम्स है सबको यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था 25% रिड्यूस सिलेबस जो इस ईयर भी अप्लाई हो रहा है, ये यही है जो पिछले साल अप्लाई हुआ था। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे ईयर आएगा 2020-21। कंफ्यूज नहीं होना है, पिछले साल का ही जो सिलेबस पैटर्न है वो इस साल भी फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है सिलेबस वाले, आई थिंक आपको समझ गया होगा। सारे सब्जेक्ट मिलेंगे यहाँ पे, मैं सिर्फ यहाँ पे मैथ्स का बनाया हूँ। बाकी के जो सब्जेक्ट है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, साइट पर जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे हो तो कॉमर्स के लिए वहाँ पे आप देखिए पेज नंबर दिया होगा इंडेक्स में। ठीक है, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि आप वो समझ जाइए कि पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद मुझे कहाँ जाना है, कैसे उसको यूज़ करना है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कुछ भी डाउट है सिलेबस रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।